छात्र राजनीति व राष्ट्रीय राजनीति को अग्रसर, हमारी आवाज को उठाने व सरकार तक पहुंचाने का माध्यम रहे। तो स्वागत करते हैं अपने युवा नेता विनोद जोशी जी का, जो अपने अनुभवों से हमें अवगत करा रहे हैं और कलाकारों का हौसला बढ़ा रहे हैं। नमस्कार साथी, और परम आदरणीय हमारे गुरु जी आज यहाँ है। छात्र संघ की राजनीति करी है और बरेली कॉलेज से दो बार छात्र संघ का चुनाव जीता, एक बार फैकल्टी इंचार्ज रहा, फिर छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा। सर से हमारा ये मान के चलिएगा कि चीफ ऑफ ट्रिप बोर्ड में भी थे सर, कई बार लड़ाइयाँ भी हुई, कई बार झगड़े भी हुए, क्योंकि हम जिनको रिप्रेजेंट करते थे वो छात्र थे और सर जो थे वो, लेकिन कभी भी हम लोगों के अंदर ये रहा कि हमने जब भी लड़ाई लड़ी सर ने हमेशा हमें समझाया। और एक गाइडेंस होता है ना कि जिसे कहा जाता है सही, वो सही गाइडेंस देने का काम अगर बरेली कॉलेज में कुछ शिक्षकों को हम नाम लेंगे तो हमारे गुरु जी का रहा। तो एक बार ताली बजा दीजिए। समय नहीं देखा जो समय हम लोग ने देखा, छात्र संघ की राजनीति करी, चीजें करी, उस टाइम कई परेशानियां बरेली कॉलेज में रहती थी। आज आप लोग पढ़ते होंगे बरेली कॉलेज में इतनी दिक्कतें हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि बरेली कॉलेज में सर जैसे गुरु नहीं है इस टाइम, इसलिए बरेली कॉलेज में दिक्कत है। नहीं तो हम लोगों ने राजनीति करी, चीजें करी और गुरु जी का पूरा आशीर्वाद हम लोगों में रहा। अब बात रही कलाकारी की, देखिए मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने PhD भी करी है तो मैथ में करी है, तो मैं आर्ट के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानता। और लकीरें खींचने को भी हम तो कलाकारी मानते थे कि अगर हमें लकीरें खींच दी तो हमें लगता था बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं ये वाकई बहुत, मतलब दिल का डीपली, जैसे हम लोग जब मैथ के फार्मूलों में अंदर तक डीपली जाते थे तो हमें ध्यान नहीं रहता था कि आसपास क्या है। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो चीज़ें निकाल रहे हैं कागजों पर इतना बढ़िया बना रहे हैं, या आप अपने दिल से अपनी आत्मा से बना रहे हैं तभी ये कागजों में आ रहा है, वरना ये कागजों में आता नहीं। आज समय बहुत अच्छा है, इंटरनेट का जमाना है। सर ने कहा कि नौकरियां नहीं है, चीजें नहीं है, आप इंटरनेट से कितना फायदा ले सकते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपकी इस पेंटिंग की कीमत क्या है। पहले खरीदार हमें सिर्फ यहीं से ढूंढने पड़ते थे, हमें 150 खरीदार मिलते थे, आज हम अपने प्रदर्शनियों को ऑनलाइन ला सकते हैं, दुनिया भर में दे सकते हैं। आपको पता भी नहीं होगा आपकी एक कलाकारी की कीमत कितनी है, आप अंदाजा ला सकते हैं सामने वाले को क्या पसंद आ जाए। बहुत बढ़िया कला, मतलब कई पेंटिंग ऐसी है जो करोड़ों में बिकती है, वो भी तो पेंटिंग है ना, और तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको खरीदार ऐसा मिल जाता है, वो परख लेता है कि नहीं ये पसंद आ गया। तो इसमें और रमिए और करिए, क्या मालूम कल की डेट में आपकी वो लकीर जो हमें लकीर दिख रही है सामने वाले को वो चांद दिख जाए। सही है, वो सोच सोच का फर्क है। इंटरनेट आपके पास है, कोशिश कीजिए जो आप बनाते हो उसको शो आउट करिए, दिखाइए दुनिया को। ये प्रदर्शनी जितने भाई सर ने लगवाई है, धन्यवाद दीजिए उनका। प्रदर्शनियाँ क्यों लगती हैं बताएं आपको, आप ही के लिए लगती है, टीचर्स को उसकी जरूरत नहीं पड़ती। एक छोटी सी कहानी सुना दूं, समय है आप लोगों पे और छोटी सी है। एक तरबूज बेचने वाला बच्चा था, पिताजी खत्म हो चुके थे, तरबूज बेचने उसे जाना था। जाता है तरबूज का अपना खेती दुकान लगाता है, तरबूज नहीं बिकते, घर आ जाता है, बड़ा परेशान होता है। माँ बोलती है बेटा क्यों परेशान हो, तो बोला माँ मैं 2-3 दिन तरबूज लगा रहा हूँ, सबके तरबूज बिकते हैं, मेरे तरबूज नहीं बिकते। तो माँ बोली बेटा तेरे तरबूज दुनिया खरीदे क्यों, कोई काबिलियत बता, तरबूज तो सबके। बोला माँ क्यों खरीदे, बोले बताइए दो चीजें बता दो। उन्होंने कहा हाँ एक चीज है, मेरे तरबूज गंगा पार वाले हैं, इन तरबूजों में जो पानी है वो गंगा का पानी है। बोले ये बताया आपने, बोले नहीं बताया, कल से तुझे बात बताना। और कल वो बच्चा गया और उसने बताया कि मेरे तरबूजों का जो पानी है माँ गंगा का पानी है, उसका हर तरबूज बिक गया। प्रदर्शनी ये चीजें जो आप किए हैं ये लाखों के नहीं, करोड़ों के नहीं, अरबों की हैं, लेकिन आपको ये बताना होगा कि ये खासियत क्या है। ये प्रदर्शनी आपकी वो खासियत निकालती है, वो बताती है कि आप में क्या खासियत है, आप क्यों और उसे यूनिक है। आने वाला समय आपका है और इंटरनेट का जितना फायदा उठा सकते हो, आप फेसबुक चलाते होंगे, आप इंस्टा चलाते होंगे, आप हर चीज चलाते होंगे। मेरे ख्याल से कई चीजें हम भी नहीं चला पाते होंगे, आप लोग चला लेते होंगे। नई नई चीजें और आ रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे, जो चीज आप बनाओ उसे पोस्ट करो, अपने लोगों से कहो, शेयर करो। यकीन मानो एक साल के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऑनलाइन का यूज करो, जितना कर सकते हो उतना यूज करो, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। अब तो पेटीएम भी है, गूगल पे भी है, कहीं से भी पैसा आ सकता है। दुनिया के किसी कोने में कोई आदमी बैठा है वो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। ये सुविधाएं आज से 10 साल पहले नहीं थी, हम थे उस टाइम। कई चीजें आज जो हम देख रहे हैं आप लोग कर सकते हो, लेकिन होता क्या है, सही गाइडेंस नहीं है। इस प्रदर्शनी के बाद आप कोशिश कीजिएगा, जितना नेट से आप लोग जुड़े हो,
अपने लिए आधा एक घंटा आप निकाल दो, मार्केटिंग स्टार्ट कर दो अपनी, आप यकीन मानो आप लकीर भी बेच सकते हो, खींच दो ऐसे करके, सामने वालों को पसंद आ जाएगी, हर चीज आपके पास है। बाकी सर ने इतना बोल दिया था, शब्द तो मेरे पास बहुत कम रहते हैं, और मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है, मेरे लिए कभी भी कोई जरूरत महसूस हो, कृष्ण का नंबर मुझे दे देना किसी बच्चे को, कहीं पर भी बरेली के अंदर कोई परेशानी होती है, किसी कोचिंगों में आओगे, किसी अदर कोचिंग में आपको पढ़ने जाना है, आपके भाइयों को जाना है, बरेली किसी भी कोचिंग में जाओगे, आप मेरा नाम बता दोगे, मुझे आपको मैं डिस्काउंट करा दूंगा, कहीं कुछ भी कोई परेशानी हो आप मुझे याद कर लेना, दो बार का छात्र दिखता हूँ, रामपुर गार्डन में जी माइंड स्टडी पॉइंट सेंटर चलता है, और ईश्वर ने चाहा तो इस बार कैंट विधानसभा से चुनाव भी लड़ना हो विधानसभा। धन्यवाद।